आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज शॉक। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। कर्नाटक के अगले सीएम सिद्धार्थ रमैया होंगे डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम के लिए हुए नियुक्त। सीबीआई ने 12 ठिकानों पर छापेमारी की, मलिक के मीडिया सलाहकार के घर भी पहुंची। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का लगभग काम पूरा, 30 मई को नए संसद भवन का होगा उद्घाटन। एनआईए की बड़ी छापेमारी, 3 दिनों से ये दूसरा बड़ा सर्च ऑपरेशन। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक के अगले सीएम सिद्धार्थ रमैया होंगे, इसका ऐलान हो गया है। डीके शिवकुमार के पास डिप्टी सीएम के साथ ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय और प्रदेश अध्यक्ष का पद रहेगा। उन्हें ये भी कहा गया है कि सिद्धार्थ रमैया को 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अगले 3 साल के लिए कर्नाटक की कमान उन्हें सौंप दी जाएगी। लेकिन डीके अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री का पद मल्लिकार्जुन खड़गे को ही दे दिया जाए। शपथ ग्रहण समारोह 18 मई को दोपहर 3:30 बजे होगा। इसकी तैयारी बेंगलुरु के काटोरिया स्टेडियम में शुरू की गई है। दोनों नेताओं के साथ 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सीएम पद को लेकर पिछले 4 दिनों से बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक कई बैठकें हुई हैं। सिद्धार्थ रमैया रेस में सबसे आगे चल रहे थे। इससे पहले रविवार को भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी एमएलए ने नेता चुनने के लिए खड़गे को अधिकृत किया था। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने ऑब्जर्वर के सभी विधायकों से 1-on-1 बात करने को कहा था। इसमें 80 से ज्यादा विधायकों ने सिद्धार्थ रमैया के फेवर में वोट किया था। जम्मू कश्मीर के इंश्योरेंस और किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट स्कैम से जुड़े केस में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर, दिल्ली और राजस्थान स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। तलाशी मलिक के मीडिया सलाहकार रहे सुनक बाली के घर भी हुई है। मलिक ने इस पर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई इस मामले में शिकायतकर्ता को परेशान कर रही है। सुनक बिना किसी सरकारी वेतन के जम्मू कश्मीर में मेरे सेक्रेटरी थे। ये मामला तब सामने आया था जब सत्यपाल मलिक 23 अगस्त 2018 से लेकर 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। मलिक ने खुद इस मामले की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि फाइलों को मंजूरी देने के बदले उन्हें 150 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। सीबीआई ने इस पर केस दर्ज किया था। सत्यपाल मलिक के भी बयान दर्ज किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत नई पार्लियामेंट बिल्डिंग संसद भवन का काम लगभग पूरा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए संसद भवन के सिविल स्ट्रक्चर की सफाई शुरू हो गई है। इस महीने के आखिर में ये पूरी हो जाएगी। हालांकि इसमें इनॉग्रेशन की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन अटकलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दिन केंद्र की भाजपा सरकार अपने 9 साल भी पूरे करेगी। वहीं पिछले साल राजपथ को मिला था कर्तव्य पथ। बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन में इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे सड़क का रीडेवलपमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 8 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था। उन्होंने उसी दिन इसका नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ रखने का ऐलान किया था। पीएम आवास भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा, कर्तव्य पथ संसद भवन के अलावा प्रधानमंत्री का ऑफिस घर, सेंट्रल सिक्योरिटी की बिल्डिंग और वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव भी सेंट्रल विस्टा पावर कॉरिडोर का हिस्सा है। इन्हें केंद्र सरकार की एजेंसी CPWD बना रही है। एनआईए ने देश भर में 6 राज्यों में 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई आतंकवादी, गैंगस्टर और नशीले पदार्थ के स्मगलर्स के नेक्सस मामले में चल रही है। करीब 200 अफसर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में स्थानीय पुलिस के साथ संदिग्धों के परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब और चंडीगढ़ में 65 जगह पर एनआईए का छापा पड़ा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 3 जगह, राजस्थान में 18 जगह और मध्य प्रदेश में 2 जगह पर छापेमारी की गई है। एनआईए के पिछले 3 दिनों में ये दूसरा बड़ा सर्च ऑपरेशन है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने छानबीन की थी। वहीं बाहर से बैठे आतंकी गैंगस्टर्स की मदद कर रहे थे। आपको बता दें कि जांच एजेंसी को जब इस बात का पता चला कि विदेशों में स्थित आतंकवादी संगठन देश के उत्तरी राज्यों में हत्याओं और हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के लिए नेताओं और संगठित अपराधियों गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एनआईए ने 20 सितंबर 2022 को खुद ही मामला दर्ज किया था।
भारत ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022 को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि अमेरिका की रिपोर्ट गलत जानकारी पर आधारित है। दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका विदेश मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन ने 15 मई को जारी की थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत, चीन, रूस, सऊदी अरब जैसे देशों में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जवाब दिया है और जवाब में कहा कि यह रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारियों की बेबुनियाद जानकारी पर आधारित है। कुछ अमेरिका अधिकारियों की ये पक्षपाती टिप्पणियां ऐसी रिपोर्ट्स की विश्वसनीयता को कम करने का काम करती हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत में राज्य सरकारें अल्पसंख्यकों और खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ मनमानी करती हैं। कई राज्यों में पुलिस ने ईसाई धर्म के लोगों को ये कहते हुए गिरफ्तार किया कि वे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि आवास, अल्पसंख्यक मुद्दों और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूतों ने जून 2022 में मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने मनमाने ढंग से मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई की थी, उनके घर तोड़े थे। दरअसल पिछले साल खारगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव हुआ था। सरकार ने इसकी कार्रवाई करते हुए कई दुकानों, घरों पर गिरा दिए थे और उन्हें पथराव करने वालों में संबंधित बताया भी गया था। भारत में होने वाली G20 मीटिंग को लेकर एक यूएन अफसर के कमेंटर्स को भारत ने खारिज कर दिया है। इस अफसर ने घाटी में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी। यूएन में इंडियन मिशन ने इन आरोपों को जवाब दिया, कहा इस तरह के आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं, भारत इन्हें खारिज करता है। G20 प्रेसिडेंट भारत को यह हक है कि वो देश के किसी भी हिस्से में समिट की मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। कुछ दिन पहले यूएन के माइनॉरिटीज अफेयर रिप्रेजेंटेटिव फर्नेट डी वॉरेंस ने जम्मू कश्मीर और वहां के मॉनिटराइजिंग के इश्यूज पर जो है बयान जारी किया था। भारत सरकार ने इसका बड़ा एतराज जताया था। भारत ने कहा कि यूएन में भारतीय मिशन ने कहा है कि फर्नाट का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है, वो जम्मू कश्मीर के मामले को सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश भी की है। उन्होंने जो कुछ कहा वो हकीकत पे पहले से बनी सोच का नतीजा है और यह यूएन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गलत हरकत है। मणिपुर में मतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के ऐलान से भड़की हिंसा थम नहीं रही है। इस बीच में पश्चिम बंगाल में कुर्मी समाज खुद को ST का दर्जा दिए जाने की मांग के समर्थन में आंदोलन कर रहा है। इस साल उन्होंने वाले पंचायत चुनाव में पहले राज्य के झारखंड में सटे इलाकों में कुर्मी समाज का आंदोलन ममता बनर्जी सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक के बयान पर भड़के कुर्मी समाज के लोग ST में शामिल होने की मांग को लेकर बीते महीने राज्य के जंगल महल के नाम से विख्यात बाखुंडा, पुरुलिया और पश्चिमी मोदिनीपुर जिले में हुई विरोध प्रदर्शन से करीब 5 दिन तक रेलवे और सड़क यातायात ठप रहा था। अब तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक की ओर से इस आंदोलन की तुलना खालिस्तान के किए जाने वाले उसके कारण कुर्मी समाज भड़क गया है। हालांकि CM ममता बनर्जी ने पार्टी विधायक की टिप्पणी पर माफी भी मांगी है, लेकिन कुर्मी समाज की नाराजगी कम नहीं हुई है। आंदोलन को राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं को भी समर्थन मिल रहा है। कुर्मी समाज का नारा है, पहले ST का दर्जा फिर वोट। द केरला स्टोरी फिल्म से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म पर बैन नहीं लगाया है। दर्शक खुद ही फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं, जिसके चलते थिएटर मालिकों ने फिल्म की स्क्रीनिंग बंद कर दी है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने जवाब में कहा कि फिल्म में हेट स्पीच है, साथ ही ये फिल्म हेर फेर किए गए तथ्यों पर आधारित है। इससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव और लॉ एंड ऑर्डर की सदस्यता पैदा कर दी गई है। इसी के साथ तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर एक हल्फनामे में कहा गया है कि सरकार थिएटर्स में सुरक्षा दे सकती है, दर्शकों को नहीं ला सकती। मल्टीप्लेयर्स मालिक खुद मालिक नहीं लगाना चाहते, ये डिसीजन उनका खुद का है। उन्होंने फिल्म से जुड़ी आलोचनाओं, बड़े सितारों की कमी और खराब प्रदर्शन के चलते स्क्रीनिंग बंद कर दी है। इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। वहीं साथ ही सरकार ने शैडो बैन के आरोपों को भी झूठा बताया है। तमिलनाडु सरकार ने फिल्म मेकर्स के शैडो बैन करने के आरोपों का भी खंडन किया है। सरकार ने कहा कि फिल्म को 19 मल्टीप्लेयर्स में रिलीज किया गया था और फिल्म मेकर्स के पास ऐसा कोई लिखित में सबूत नहीं है जिससे सरकार की तरफ से फिल्म स्क्रीनिंग बंद करने की बात की गई है।
शराब पीने के आदि पुलिसकर्मियों के बाद अब अनफिट पुलिसकर्मी असम पुलिस की जो है रडार पर हैं। असम पुलिस मोटे पुलिसकर्मियों का ऑफिशियल रिकॉर्ड रखेंगे, इसके लिए उनका बॉडी मास इंडेक्स मतलब कि BMI लिया जाएगा। ये जो कदम है वो पुलिसकर्मियों को डेडवुड की छुटकारा दिलाने के लिए किया जा रहा है। असम पुलिस ने लगभग 17,000 फोर्स हैं, अनफिट कर्मियों को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि 3 महीने में फिट हो जाएं या फिर रिटायर हो जाएं। 3 महीने बाद सभी IPS अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का बॉडी मास इंडेक्स BMI रिकॉर्ड किया जाएगा। DGP GP सिंह ने ट्वीट में कहा है कि हम 15 अगस्त तक IPS और APS अधिकारियों समेत सभी असम पुलिस कर्मियों को 3 महीने का समय देंगे। इसके बाद अगले 15 दिनों में BMI का वेरिफिकेशन करने की प्लानिंग है। वे सभी पुलिस कर्मियों जो मोटापे की श्रेणी में आते हैं उन्हें वजन कम करने के लिए 3 महीने और दिए जाएंगे, जिसके बाद सर्वोच्च सेवानेतृत्व लेने के लिए कहा जाएगा। देश के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो गया है, जिसके चलते आने वाले दिनों में हरियाणा दिल्ली NCR में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं गुजरात राजस्थान त्रिपुरा मिजोरम नागालैंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड में हल्की बारिश हो सकती है। केरल और तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते यानी कि 18 से 24 मई के लिए जो है मौसम के बीच में तेजी बदलने की भविष्यवाणी की है। तापमान में गिरावट आएगी जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में किन राज्यों में बारिश होगी। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते पश्चिमी राज्यों जैसे कि गुजरात राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत जैसे कि त्रिपुरा मिजोरम नागालैंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड में हल्की से मध्यम और कहीं पर छुटपुट बारिश चलने की संभावना है। दक्षिणी राज्यों जैसे कि केरल तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। कुछ जिलों में तेज आंधी आ सकती है, ज्यादा वक्त बादल रहेंगे। उत्तर पश्चिमी मध्य और पूर्वोत्तर भारत में बारिश सामान्य से अधिक रहने की संभावना है और दक्षिण और पूर्व भारत में बारिश सामान्य से नीचे रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।